प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। किसी के बाप की जागीर नहीं है चुनाव न लड़े। 2 करोड़ लिए, 4 करोड़ पार्टी बिक गई, सब चल बता दिया, मुंह तोड़ जवाब दे। या हम उम्र के लोग जो संपत्ति खुद लेते हैं, हम संपत्ति लेते नहीं लड़ने का। जब हमारे साथ में कोई संगठन में नहीं नाराज है, सह पठान को बताना चाहिए जो यहाँ बोल रहे 2 करोड़ बिक गए। मैंने किसी को नहीं धोखा दिया, मैं यहाँ के लोगों को बचाया। मेरे को दिया क्या लेटर अभी तक, तड़ी पार थे लेटर, किसमें मैं लेटर बना के करता था। देखो मेरे को हमेशा वो लोग नाराज मेरे खिलाफ चलते थे। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, कल से जो खबरें चल रही हैं, MIM पार्टी के जो नेता थे जावेद सिद्दीकी, इन्होंने कल्याण लोकसभा से नामांकन किया था, जिसके बाद मुंब्रा में तमाम जो MIM पार्टी के पदाधिकारी थे उनमें काफ़ी नाराज़गी जो है देखी जा रही थी। और जावेद सिद्दीकी को MIM पार्टी से निकाले जाने का लेटर भी सैफ पठान ने तैयार कर दिया था। ऐसे में आज जावेद सिद्दीकी ने कल रात में भी बयान दिया था और आज इन्होंने पार्टी ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, जावेद भाई आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या मकसद था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखो ऐसा है, कल जो शहर में ये कल्याण लोकसभा जो उम्मीदवारी का जो मैं फॉर्म भरा था उसमें बहुत से टिप्पणी हो रही थी और मेरे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो टीम थी, वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे। क्या हो गया, रात भर मुझे फ़ोन किए, तो मैंने उस पर रात भर सोचा और सुबह जो मेरे को ये फॉर्म जो है बैंक का खाते का ये सब जो है मैंने दिया नहीं जाके, और जो भी कुछ उसमें बाकी था लिखने का आज सुबह मैं जाके करता था, जो भी हो, तो मैंने वो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे शहर के जो MIM के जो कार्यकर्ता है उनको ठोस जो पहुंची थी उसको क्या था, और लोगों को ये भी जो पता, रिजेक्ट क्यों हुआ फॉर्म? रिजेक्ट मैंने एक कागज़ नहीं दिया ना, बैंक का कागज़ लगता है, ये देखो ना, श्रीमती लोकसभा सर्विस 2000 निवलो खान बैंक उगड़े, कब खाता खुला, कब है वो लगता। क्यों नहीं दिया आपने? मैंने ये रात का जो मैं मंजर देखा इसलिए मैं बोला नहीं लड़ने का और फॉर्म जो है रिजेक्ट करा दिया। तो फॉर्म फिर आपने मंगाया क्यों था? मंगाया इसलिए था कि यहाँ भी मान जाएंगे, यहाँ तो कैसा हो गया, यहाँ तो तूफान ये हो गया, सारे नाराज़गी होगी, लेकिन इनके नाराज़गी मुझसे देख नहीं गई। और अगर आपको चुनाव लड़ना था तो आपको नाराज़गी से क्या करना? इनको तो लेके भाई लोकल के जो लोग हैं उनको तो लेके लड़ना पड़ेगा ना, तो अकेले ये बात पहले सोचनी चाहिए। नहीं, हमको सोचना, हाईकमान ने बोली, हम उनको समझा। हाईकमान ने जब आपको दिया था बी फॉर्म तो आपने क्यों रिजेक्ट करवाया? क्या रिजेक्ट करवाया, मैं आज जब रात को, कल मैं फॉर्म भर दिया, जब आज सुबह छाननी हुए, जब देखा माहौल ख़राब है, 2 करोड़ लिए, 4 करोड़ पार्टी बिक गई, सब चल रहा, उसके लिए मैंने जो है आज जाके उनको बता दिया, मुँह तोड़ जवाब दे दिया कि कोई पार्टी बिकी विकी नहीं थी। हमको जो तो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपने सब चीज़ सबमिट किया था, जो पेपर दिखा रहे हैं ये सब आपने सबमिट कर दिया था, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो गया आपका, तो उसके बाद आप जो है बता रहे हैं कि हम मैंने ये जमा नहीं किया, कौन बोला जाके, इस वजह से जो है एक मिनट जाके पूछिए आप, हमको जानकारी ऐसी मिली, हम बता रहे हैं जानकारी आपको कि आपको आपका पूरा फॉर्म जमा था, सब कुछ सबमिट किया था आपने, लेकिन आपका रिजेक्ट हो गया वहाँ पर। रिजेक्ट अब रिजेक्ट होने के बाद आप ये लाके दिखा रहे हैं, आप फिर से जो है संपत्ति लेना चाह रहे हैं, संपत्ति नहीं, मैं आप लोगों के कहने पर जो है किसी का रिजेक्ट मैं करा दिया, किसी का मैं मानता नहीं। जब आपने नामांकन किया था तो आप रिजेक्ट करा, मैंने कागज नहीं दिया, जब मेरे शहर में लोगों को तकलीफ थी, लोग गलत गलत बात कर रहे हैं, तो मैंने नहीं लड़ना, मेरे को मैंने रिजेक्ट करा। आप संपत्ति लेने की कोशिश, कोई संपत्ति नहीं है, या उम्र के लोग जो संपत्ति खुद लेते हैं, हम संपत्ति लेते हैं। जब आला कमान का ऑर्डर था तो फिर आप छोटे, तो 2 दिन मैंने टाइम दिया था आला कमान को, बात करो क्यों नहीं किए, वो भी नहीं किए, तो इसलिए मैं अपने शहर को जो प्रॉब्लम थी ना, क्यों नहीं बात की? तो मैं आपका प्रॉब्लम क्या था? आपको बी फॉर्म मिला, आपने नामांकन किया,
मैंने तो भर दिया था। चुनाव लड़ना चाहिए था। नहीं लड़ने का, जब हमारे साथ में कोई संगठन मेरी नाराज है तो मैं संगठन के बगैर कैसे लड़ सकता हूँ। उनका काम था संगठन सैफ पठान को मनाना चाहिए, सैफ पठान को बताना चाहिए। सैफ पठान तो एकदम मैं खुद कह रहे हैं, कल आपने खुद बताया कि सैफ पठान ने कहा था कि यहाँ से किसी को नहीं लड़ाना। हाँ वो बोल रहा था। जब नहीं लड़ाना था तो आपने फिर क्यों जमा कराया? मैं जमा किया जब मेरे ऊपर झाला कमान बोला जमा कर दो मैं बात करता हूँ। आपको पहले सोचना चाहिए ना कि संगठन को लेकर हमको लड़ना है। इसको संगठन वो तो वहाँ के आला कमान बोले हम बात कर लेते, दो दिन हो गया तो किसी ने बात नहीं किया, यहाँ पे पूरा बवाल चल रहा था। अभी आप जैसा बोल रहे हैं कि पूरे संगठन को लेके चलना है, ये चीज़ आपको फॉर्म जमा करने से पहले सोचना चाहिए। सैफ पठान ने आपको फॉर्म जमा करने से पहले भी फोन करके बोला था कि भैया चुनाव मत लड़ना। देखो किसी के बाप की जागीर नहीं है चुनाव न लड़े, और किसी का वो नहीं कि मैं नहीं फॉर्म भरूंगा। जब किसी के बाप की जागीर नहीं है तो आपने फिर ये रद्द क्यों करवाया? मैं इसलिए रद्द करा, यहाँ जो लोग बोल रहे थे मैं गलत बात बोल रहा हूँ न्यूज के माँ, जो यहाँ बोल रहे 2 करोड़ बिक गए, उनको बताना चाहता था कि मैं किसी से जो है बात करके या किसी से भी फॉर्म नहीं लिया था, मुझे डायरेक्ट फॉर्म मिला था, मैंने रिजेक्ट किया। अब अगर मुझे पार्टी से आला कमान निकाल दी तो कोई बात अभी, नहीं। अभी आपने किसको धोखा दिया फिर? मैंने किसी को नहीं धोखा दिया, मेरे यहाँ के लोगों को धोखा जो लोग दे रहे थे या किसी ने दे रहे, मैं यहाँ के लोगों को बचाया। और मेरे को अगर वो सैफ पठान रिजेक्ट, आला कमान भी आपसे नाराज हो जाने दो, हो जाने दो, हो जाने दो, कोई बात नहीं है, मेरे को कोई वो नहीं है। अगर आला कमान मेरे से नाराज है तो हो जाने दो। सैफ पठान बोले वहाँ से लेटर लेके आ दे, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सैफ पठान ने भी एक लेटर कल जो है प्रेस में दिखाया कि आपको आपको जो है पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। निकाला तो मेरे को निकाला ना, मेरे को दिया क्या लेटर अभी तक, खाली न्यूज़ में बताया है। बहुत से न्यूज़ में बातें होती है लेकिन करते, मेरे को लेटर देता मैं साइन करता, हाँ तो फिर मैं वो लेटर ले जाके हैदराबाद बताता कि ऐसा ऐसा मसला हुआ इसलिए मैं फॉर्म को रिजेक्ट किया, मतलब मैंने कागजात नहीं जमा किया ऐसा। आपने सैफ पठान को कहा था हैदराबाद वालों से संपर्क करने? मैंने बोला था सुबह में जब मेरे को फ़ोन आया, और मैंने रात को सब बी फॉर्म भेजा था, मतलब तुम जो बोल रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार से भरे, ये देखो मेरे बी फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये मैं MIM पार्टी से मैंने फॉर्म भरा हूँ, ये देखो MIM पार्टी से फॉर्म भरा हूँ, ये देखो MIM पार्टी से नोटरी करके मैंने जमा किया। तो उसने डायरेक्ट शाम में जो है चैनल के थ्रू वो बोला मैं निकाल रहा हूँ ऐसा वैसा वैसा, उसने किया उसका है, करने दो, मेरे को क्या करना मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। हेलो, आपने भी आरोप लगाया था कि जो है हमको काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, अगर वो चाहता तो ठीक है फॉर्म मिला जावेद भाई एक काम करो लड़ो हम तुम्हारे साथ में। लेटर वगैरह देने के लिए तो आपको ही आगे करते थे। अरे लेटर वो लेटर जब वो नहीं थे, और एक मिनट आपको बता रहा, जब वो नहीं थे तड़ीपार थे, लेटर किस में मैं लेटर बना के करता था, आज भी अभी जब से हुआ इंडिविजुअल लेटर मैं दे रहा हूँ। अभी मेरे को बोला कि भाई तुम पार्टी का जो है लेटर पैड जो है मिस यूज मत करो, गलत मत करो, फ़ायदा मत उठाओ, मतलब पार्टी में जो काम करता फ़ायदा उठाता है, फ़ायदा जो उठाता होगा वो करता होगा, हम तो काम करते, जनता हमें देखती है कि कौन काम करता पार्टी में। अभी आप ही लोग जो न्यूज़ वाले बोलते थे कि यार कोई MIM में नहीं है, एक ही आदमी काम करता है, ये तो लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलने दो ना, उसका कोई टेंशन नहीं है। वैसे लोग बोलते हैं तो बोलने देने का ना, आपको चुनाव लड़ना था, आप लड़ते चुनाव? चुनाव इसलिए लड़ा मेरे जो शहर के, मैं तुमको फिर बोल रहा, मेरे शहर के जो लोग थे मेरे पार्टी से जुड़े थे जी, उनको तकलीफ थी, रात को मुझे फ़ोन सबके आए, मैं वो सोच के मैंने सुबह में जाके पेपर नहीं दिया और रिजेक्ट हो गया जो भी है, क्योंकि छाननी में जाया जाता है सुबह में 11 बजे, मैं 11 बजे गया नहीं और फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आई बस समझ में, अगर ये तो अभी आगे आगे देखेंगे, कोई बात नहीं है, आगे क्या, जैसे काम करते थे हम लोग जनता को वैसे करेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि पार्टी किसी पार्टी में रह के काम करते, इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते, इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पार्टी में आप ही लोग बोलते तुम्हारे साथ कोई है। आपने ये जमा नहीं किया जो भी आप कह रहे हैं कि मेरी ना जमा करने को जैसे रिजेक्ट हो गया, तो आला कमान से क्या आया आपके पास मैसेज, ये क्यों नहीं जमा किया? पूछताछ इतनी जल्दी कैसे, अभी तो मैं आया, आपको न्यूज़ के माध्यम से अभी पहुँचेगी,
तब वो क्या है डिसीजन लेना है वो लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, उनका डिसीजन क्या लेना वो लेंगे। और किसने बी फार्म दिया वो सब सैफ पठान को बोला, तू पता कर भाई बी फार्म जावेद भाई किसने दिया, तुम जाओ हैदराबाद, उनको मैं पहले ही बोला, और जल्दबाजी मत करो, पहले पूछ लो बी फार्म दिया गया है कि नहीं दिया गया। तुम तो पहले बोला आजाद से भरे, हमने बी फार्म नहीं दिए, अभी जब बी फार्म नहीं दिए तो ये बी फार्म आया कहाँ से, ये बी फार्म आया कहाँ से। तो वो कल्याण लोकसभा में जो भी चुनाव होते हैं सारे आला कमान उसका फैसला करती है। आपको मालूम 2014 में सबसे पहले मैंने हैदराबाद गया था कल्याण लोकसभा लड़ने के लिए, उसके बाद जो है 2019 में वो लोग जो है पार्टी जो है यहाँ पे। आखिरी सवाल, जब आपको इतना मान सम्मान आपके पार्टी के लोग यहाँ दे रहे थे तो फिर आपके चुनाव में खड़े होने की वजह से उनमें नाराज़गी क्यों आ गई? देखो मेरे को हमेशा वो लोग नाराज मेरे खिलाफ़ चलते थे। आज मैं तुमको बता दूँ, मेरा जब कोई काम करने का लाइव करता तो मेरे को बोलते थे कि अरे लाइव ज़्यादा मत करो, अरे ऐसा हमको पूछ के करो, ये सब बातें बहुत थी, लेकिन मैं चुप बैठा था। अभी वक्त आएगा सब मैं बताऊँगा क्या क्या हुआ है, अभी तो खाली नॉमिनेशन फॉर्म के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी क्या मेरे साथ हुआ है मैं आपको उसके बाद में सारा हेड ऑफिस में बताने वाला हूँ क्या हुआ। ऐसी भी बात चल रही है कि आपको जिस तरह से काम नहीं किया करने दिया जा रहा है और आप किसी दूसरी पार्टी के दामन भी टटोल रहे हैं उनकी। अभी मैं तो आपके न्यूज़ में कुछ बोल दूँगा, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। आई बात में समंदर बोलता है कि यार मैं पूरा एरिया को साला सफा करके लेके जाऊंगा, लेकिन एक जो है पानी में एक जो है आयल का एक बूंद पड़ता है तो पार कर जाता है। तो हम वो लोग में हैं, हम किसी के उस पर नहीं है। क्या बोलता है ये मुमरा शहर है, बोलने दो, मुझे उससे लेना देना। किसी दूसरे पार्टी के संपर्क में है आप जाने के लिए? तो मैं फार्म वो भी जोड़ा जा रहा है कि इसी वजह से रिटर्न, तो वो लोग मेरे को बोलेंगे ना, अगर मैं संपर्क होगा तो मेरे को ऊपर वो लोग बोलेंगे भाई क्यों ऐसा किए। आज वही तो मेरे को खुलासा करना था कि मैं किसी पार्टी के संपर्क में अगर होता तो मैं ये जो बता रहा हूँ ये मेरे को लेके जाते वहाँ पे। वहाँ आप देखे कि मैं उधर था आज? नहीं था ना। कल कोई देखा? नफीस को पूछो, मेरी बेटी थी, मैं था, मेरा बेटा था बस। तो अभी आप प्रत्याशी नहीं है? मैं बोल दिया ना, मैं कल्याण लोकसभा जो है मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। तो आपने सुना कि जावेद जी की जो बता रहे कि इन्होंने MIM से जो है बी फॉर्म जमा किया था कल्याण लोकसभा से, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि कुछ ज़रूरी दस्तावेज थे जो इन्होंने सबमिट नहीं किया और इसके वजह से इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है और ये अब MIM पार्टी से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन इनकी पार्टी में इनको लेकर जो है काफ़ी मतभेद हैं और जो है काफ़ी हलचले तेज हैं। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जावेद सिद्दीकी किसी दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है।